देह व्यापार में शामिल महिला जो कासिम नगर की रहने वाली है, जब उसके घर पर रेड हुई थी तो हमने आपको वहां से लाइव तस्वीरें दिखाई थी उसकी। अब बागेबहु पुलिस स्टेशन में हिस्ट्री शीट खोली गई है, उसका फोटो भी डिस्प्ले किया गया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। देह व्यापार में शामिल महिला जो कासिम नगर की रहने वाली है, जब उसके घर पर रेड हुई थी तो हमने आपको वहां से लाइव तस्वीरें दिखाई थी उसकी। अब बागेबहु पुलिस स्टेशन में हिस्ट्री शीट खोली गई है, उसका फोटो भी डिस्प्ले किया गया है। यह हमें लगता है पहली बार हुआ है कि इस तरह की कार्रवाई किसी महिला के ऊपर की गई है, क्योंकि महिलाओं के फोटो डिस्प्ले नहीं किए जाते और महिलाओं को उस तरह से ट्रीट भी नहीं किया जाता जो गलत धंधों में शामिल है। एक तरफ तो महिलाओं का सम्मान करते हैं हम सब लोग, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो गलत जो धंधे हो रहे हैं उनको बढ़ावा भी दे रही है। देह व्यापार में शामिल थी ये महिला, और हमने आपको खबर बताई थी तब बताया था कि एक माइनर लड़की जो कटरा की रहने वाली थी, उसको लेकर उसको वहां से चोरी से लेकर आए थे उस लड़की को, और फिर उससे देह व्यापार करवाया जा रहा था। अब उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कई और मामले भी हैं और क्या कुछ जानकारियां हैं इस मामले को लेकर बताने हम आपको जा रहे हैं। सड़कों पे तांडव या मैं कहूँ नंगा नाच या सच्चाई का एक ही थपेड़ा। स्वर्णा कासिम नगर चिट्टा पुलिस, पुलिस कुछ नहीं करती है, उसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। और मेरे पे उंगलियां उठाई गई थी, मैं एलिगेशन लगाती हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है। लो सबूता सड़कों पे नाच रहा है। नोनी औरत जो है स्वर्णा, जिसने ना जाने अभी तक कितनी बच्चियों के साथ उनको ड्रग करके सुइयां लगा के हीरोइन की नशे की उनको इस्तेमाल किया एज ए फ्लैश ट्रेड। जम्मू में ना सिर्फ नशे बल्कि देह व्यापार के प्रति भी जम्मू पुलिस अब धीरे धीरे सख्त रवैया अपना रही है, और पुलिस का स्पष्ट कहना है कि युवाओं को भ्रष्ट बनाने वाले किसी भी अवैध काम को पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। नशाखोरी की बढ़ती समस्या को देखते हुए पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, और आए दिन नशे के सौदागरों को हिरासत में लिया जा रहा है। जम्मू पुलिस ने बागेबहु इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में संलिप्त के संदेह में स्वर्णा देवी की थाने में हिस्ट्री शीट खोल दी है। पुलिस ने 10 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर लेकर उसे जेल भेज दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस्म फरोशी के मामले में शामिल महिला की हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। इतना ही नहीं, थाने में वो उसकी फोटो भी लगाई गई है जिसमें उसके 7 मामलों को दिखाकर उसे हिस्ट्री शीटर दिखाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला को जिस्म फरोशी के धंधे में डालकर कार्रवाई की गई है, जिसकी हर तरफ प्रशंसा भी हो रही है। उसके जघन्य अपराधों के चलते इलाके में लोग काफी परेशान थे। उसके खिलाफ इलाके के लोगों की तरफ से पत्र भी लिखे गए थे जिसमें उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी। जानकारी के अनुसार बागेबहु पुलिस ने कुछ दिन पहले जिस्म फरोशी के धंधे को करवाने वाली महिला स्वर्णा देवी को गिरफ्तार किया था। उसके घर से एक नाबालिग को बरामद किया गया था। कटरा से एक नाबालिग को गाड़ी में डालकर लाया गया था। उसके बाद उसे लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था। नाबालिग के परिजनों की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई थी जिसमें बागेबहु पुलिस को बताया गया था कि उनकी बेटी को एक महिला ने कासिम नगर में अपने घर में बंदी बनाकर रखा हुआ है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर गई और बच्ची को बरामद कर लिया।
8 मार्च 2023 को कासिम नगर में महिला के घर से बरामद हुई थी वो बच्ची। उसके बाद नाबालिग की मेडिकल जांच करवाई गई। जांच के दौरान नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसे कटरा से एक कार में बिठा कर लाया गया। उसके बाद उसे कासिम नगर इलाके में एक मकान में रखा गया। उसने बताया कि उसे बार बार दुष्कर्म भी किया गया। इस मकान में ग्राहक आते थे, उसे शिकार बनाया जाता रहा। उसने बताया कि करीब 1.5 माह से उसे मकान में रखा गया था। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने तुरंत पॉक्सो एक्ट तथा बंदी बनाने का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मकान की मालकिन स्वर्णा देवी को एजेंट शंकर सिंह और पूजा देवी के साथ गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद स्वर्णा देवी को पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के दौरान कई बातों का पता चला। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग को आरोपी महिला द्वारा होटलों में वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। अनगिनत ग्राहकों ने लगभग 1.5 महीने तक बच्ची के साथ बलात्कार किया। कानून के डर के बिना आरोपी स्वर्णा पिछले 2 दशकों से बिना किसी परेशानी के देह व्यापार चला रही थी। यहां वो नशीली दवाइयों की भी बिक्री और नशे की लत के साथ साथ भविष्य बनाने के बहाने मासूम लड़कियों को वेश्यावृत्ति में फंसाती थी। कासिम नगर इलाके के लोगों का कहना है कि इस बेशर्म महिला ने रिहायशी इलाके का माहौल खराब किया है और कॉलोनी को भी बदनाम किया है। लगभग 2 दशकों से ये महिला इन कार्यों को कर रही थी और ना जाने कितनी लड़कियों को इस धंधे में उसने शामिल किया। सिर्फ देह व्यापार ही नहीं बल्कि नशे का व्यापार भी ये कर रही थी। इसमें कुछ जानकारियां ये भी आई थी कि ड्रग्स की लत लगवाई जाती थी और ये छोटी लड़की जो माइनर लड़की थी इसको तो होटल के अंदर भी वहां पर इसे रेप करवाया गया। ना जाने कितने ग्राहक जो थे वो आते थे और इस माइनर लड़की का रेप करते थे। और भी ना जाने कितनी लड़कियां जो हैं उनकी ज़िंदगी इसने तबाह की है। और कार्य जो करने बाहर जो लोगों से बात की जाती थी कि हम अच्छे कार्य के लिए लड़कियों का ये फ्यूचर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं बना रहे हैं बल्कि फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं उनका। ये सब गलत धंधे जो थे वो चल रहे थे। और जब शुरुआत में आवाज़ें उठी तो उस दौरान कहा गया कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वही लोग गलत हैं, वही लोग गलत धंधों में शामिल हैं, हम बिल्कुल पाक साफ हैं। और उस समय जब हम न्यूज़ कर रहे थे तो कई लोग तो हमें भी कह रहे थे कि ये आप किस तरह की न्यूज़ कर रहे हैं, ये ऐसे जानबूझ के किसी विषय को बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई जो है वो धीरे धीरे बाहर आती है और अब जो जानकारियां हमने आपको दी वो चौंकाने वाली हैं कि घर के अंदर ही ये व्यापार चल रहा था, तय व्यापार। हमें लगता है लोग सचेत हो जाएं और आसपास अगर इस तरह का माहौल, इस तरह का लोग अगर कार्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।